तो बच्चों, आज हम जो करने जा रहे हैं वो है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। तो आज से हम स्टार्ट करें अपने क्लास 9th का टॉपिक। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला टॉपिक कह रहा है कि नंबर सिस्टम। आपके पहले चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, और इसका हम देखने जा रहे हैं बच्चे क्या, इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, अगर इंट्रोडक्शन समझ आ गया देन आपके लिए ये चैप्टर कुछ भी नहीं होने जा रहा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है इसमें, विच इज नेचुरल नंबर, जो कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में प्राकृत संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर होता क्या है? तो ऐसे सारे नंबर जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ऑल द काउंटिंग नंबर्स और आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चे? तो 1 से लेकर 2, 3, कहाँ तक जाएगा ये? अप टू इनफाइनाइट, यानी कि इन्फिनिटी, अनंत तक। तो ये सारे नंबर कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर। जी हाँ। तो अगला जो है आपका वो है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? हिंदी में बात करूँ तो ये होती है पूर्ण संख्या, और होल नंबर हम कहते हैं कहाँ से? तो वो होता है, देखो, सारे के सारे नेचुरल नंबर तो आप लिखोगे ही, 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी। बस इसमें एक ऐड कर दो, क्या? 0। तो यानी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या हो गई 0, और ये 0 से इन्फिनिटी तक चलता है। ठीक है। एंड थर्ड वन इज इंटीजर्स। इंटीजर क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक। जी हाँ, इंटीजर होता है पूर्णांक। इंटीजर क्या होता है? तो सारे के सारे होल नंबर तो इसमें बच्चे आएगा ही आएगा, 0, 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी। बट इसके अलावा जो एक चीज आती है वो होते हैं माइनस के नंबर, जैसे -1, -2, -3, एंड ये चलता है कहाँ तक? तो माइनस इन्फिनिटी तक, यानी कि माइनस अनंत तक। ओके, नेगेटिव। अब जो इसमें देखो, दो तरह के इंटीजर होते हैं। एक होता है जो प्लस वाले होते हैं उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जो माइनस वाले होते हैं उसे बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ओके, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव को, तो हम क्या बोलते हैं? धनात्मक, और नेगेटिव को ऋणात्मक भी बोलते हैं हिंदी में। आई होप समझ आए आपको। ठीक है, चलते हैं आगे। लेकिन हाँ, एक बात और याद रखें, फ्रैक्शन वाले नंबर कभी भी इंटीजर्स नहीं होते। ठीक है, फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा या डेसिमल में नहीं होगा, ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव की बात होगी। ओके, चलते हैं आगे। रेशनल नंबर क्या होता है? मेन जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ओके, तो ऐसे सारे नंबर, बहुत ध्यान से सुनना इसे, ऐसे सारे नंबर जिसे हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, और वहां पे क्यू कभी भी 0 नहीं होगा। नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या मतलब है इसका? पी बाई क्यू का मतलब है जिसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। सपोज आपने लिखा 1/2, आया, जैसे आपने लिखा 4/2। ठीक है, लेकिन कभी भी क्या डेनोमिनेटर 0 है? नहीं है। डेनोमिनेटर हर हाल में 0 नहीं होना चाहिए, तब ये सारे के सारे नंबर परिमेय संख्या या फिर मैं कहूँ तो रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन इसके साथ साथ रेशनल नंबर में एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं, डेसिमल में अगर बात करूं, डेसिमल वाले भी रेशनल होंगे, बट अगर है टर्मिनेटिंग तब भी रेशनल, या फिर मैं बात करूं रिपीटिंग तब भी रेशनल। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है आप ये सोच रहे होंगे? तो टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि किसी भी नंबर को आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर होना चाहिए 0। जी हाँ, सपोज जैसे मैंने लिखा है 1/2। ठीक है, अब देखो 2 से मैंने 1 को डिवाइड करूंगा तो आपको भी पता है कितना आएगा, पहले तो पॉइंट देंगे और 0, 2, 5 जा 10, पूरी तरह से ये डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया? 0.5, पॉइंट से पहले कुछ नहीं तो 0। दैट मीन्स ये नंबर कैसा है आपका? टर्मिनेटिंग, क्योंकि पूरी तरह से ये एंड हो चुका है। ओके, तो ऐसे नंबर को भी हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अब दूसरी बात करूं रिपीटिंग, क्या होना चाहिए? रिपीटिंग, अगर रिपीट हो रहा है चीजें, जैसे किसी भी नंबर को आपने डिवाइड कर दिया और वो होने लगा रिपीट, जैसे कहीं पे होगा किसी को डिवाइड करने पे बार बार ऐसा आ रहा है 0.3333 एंड सो ऑन चलता आ रहा है, तो ऐसे नंबर भी क्या हो गए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 इसके ऊपर बार, तो ये नंबर भी आपके क्या कहलाएंगे? रिपीटिंग नंबर, यानी कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर ऐसा भी होगा कई टाइम 0.3434 ये ऐसे भी रिपीट होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.34 के ऊपर बार। बार का मतलब होता है रिपीट होना, ये जो लाइन है ऊपर बार। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रिपीटिंग। तो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोनों है तब भी हम कहेंगे ये क्या है? रेशनल नंबर है। समझ आया? अब बात करते हैं इरेशनल को। आई होप समझ आ रहा है आपको मैंने क्या कहा। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तब देखो, ऐसे नंबर, ठीक है, जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते,
वो सारे के सारे नंबर होता है इरेशनल। सीधे बात करूं कि जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल। दैट मीन समझ आ रहा होगा आपको पी वाई क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। इसमें टर्मिनेटिंग है तो यह क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। दैट मीन्स ये पूरा डिवाइड कभी भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमेशा बचते जाएगा। जैसे मैंने डिवाइड किया किसी नंबर को और आ रहा है 0. जैसे यहाँ 5 आ गया था, यहाँ पर ऐसा आ गया कोई 0.9433, फिर सपोज 4 आया, फिर 3 आ गया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, देखो। और ये कुछ ना कुछ आता ही जा रहा है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कभी ऐसा देखोगे 0.1010001000001 और ये एंड सो ऑन, ये ऐसा चलता जा रहा है। अब देखो एक चीज़, क्या ये रिपीट हो रहा है? जी नहीं, ये रिपीट नहीं हो रहा। ये कैसा नॉन रिपीटिंग नंबर है, क्यों रिपीट होता है जो एक ही चीज़ बार बार हो, जैसे 333 या एक ऐसे इंटरवल लगातार हर एक नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। बट यहाँ पे देखो क्या है, पहले 1 जो आया 10 के बाद, फिर 1 आया 20 के बाद, फिर 30, फिर 40, ये सेम रिपीट नहीं है। ओके, ये रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग है ये। ओके, तो इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जितने भी इरेशनल रूट होंगे, जैसे कि सपोज देखो यहाँ पे अगर रूट 4 है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी 2, बट रूट 2 है, क्या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है? नहीं निकलता पॉइंट में। तो ऐसे नंबर भी इरेशनल जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता। ओके, रूट 3 ये भी होता है इरेशनल नंबर। और ऐसे रूट वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, तो हम उसे बोलते हैं सर्ड्स। ऐसे इरेशनल रूट जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती उसे हम बोलते हैं सर्ड। जैसे कि हो गया रूट 2, रूट 3 या फिर ऐसे रूट 5+1। देखो 1 तो रेशनल है बट उसके साथ अगर रूट लग गया तो वो भी हो गया इरेशनल नंबर। ओके, अब मैं बात करूं तो सर्ड को किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो सर्ड इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में लिखा जाता है। देखो अब यहाँ पे रूट की क्या वैल्यू होती है, इसका मतलब है 3, रूट 3 है दैट मीन्स 3 की पावर 1/2, रूट 2 है दैट मीन्स 2 की पावर 1/2, जैसे क्यूब रूट है यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 दैट मीन्स 5 की पावर 1/3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 दैट मीन्स 6 की पावर 1/4, जो भी होगा उसको 1/8, समझ आया। ये सारे के सारे सर्ड होते हैं और ये जो होता है इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द सर्ड, और ये जो नंबर होता है रूट के अंदर उसे हम बोलते हैं रेडिकल। सर्ड के बारे में अगर अच्छी सी जानकारी और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो इसकी वीडियो ऑलरेडी आप देखेंगे तो पॉलिटेक्निक के फोल्डर में प्लेलिस्ट में जाएं तो उसमें मिल जाएगी सर्ड के ऊपर बिल्कुल ढंग से और भी अच्छी सी वीडियोस, ठीक है। बाकी जो आपका बेसिक था वो यही था। अब एक चीज़ और ध्यान रख ले कि अगर बात आ जाती है किसी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर, उस केस में आप क्या करेंगे। सपोज मैंने बोला 5 रेशनल नंबर निकालना है, क्या निकालना है, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, तो उस केस में आप क्या करोगे, इसको आप डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 5 है ना, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 6 से कर दो, दोनों में ये कितना हो जाएगा, देखो 12/6 और ये हो गया 18/6, 18/6 काटना नहीं है, बस मल्टीप्लाई करो। अब 12 के बाद देखो क्या आता है, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, इस तरह से लिख देंगे 5 नंबर। तो इस तरह से रेशनल नंबर निकाल सकते हैं जितना बोले। सपोज बोला 7 रेशनल नंबर निकालना है दो नंबरों के बीच में, तो आप उस केस में क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ओके, सपोज वी हैव टू फाइंड 20 रेशनल नंबर, तो 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, उस नंबर में काटना नहीं है, बस मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो भी नंबर होगा ऊपर नीचे हमेशा सेम ही रखना है, ऊपर बढ़ाते चले जाओ और निकल कर आएगा आपका रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। बात करूं रियल नंबर क्या होता है, देख लो ऐसे रियल नंबर, तो जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, जो वास्तविक संख्या होती है रियल नंबर, तो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बनता है रियल नंबर। रियल नंबर में सारे के सारे ही नंबर आते हैं। आई होप ये आपको आया समझ। अगर मैं बात करूं एक चीज और पूछ लूं आपसे कि क्या 0 रेशनल नंबर है, जी हाँ 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इसके डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, ऊपर हो सकता है 0, नीचे 0 नहीं हो सकता, कुछ नहीं है नीचे, दैट मीन्स 1 है। क्या 2 रेशनल नंबर है, हाँ जी 2 रेशनल है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, मैंने बोला सिर्फ नीचे 0 नहीं होना चाहिए अदरवाइज ये रेशनल होगा, ठीक है। लेकिन 22/7 इज नॉट अ रेशनल नंबर बिकॉज इसको डिवाइड करेंगे तो 3.14 ये जो सीरीज है ना चलता जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं पाई को इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, पाई को इरेशनल, और इसलिए पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 या फिर 22/7 वो भी इरेशनल की फॉर्म में चला जाता है क्योंकि डिवाइड करने पे इस चीज को फॉलो करता है ना कि इसको, समझ आया। तो ये था ओवरऑल आपका चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में अपने एक्सरसाइज के साथ, तो इसे अपने 9th के दोस्तों और बच्चों के साथ शेयर करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा। अब इसमें जो भी है आपके जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में बताएं या इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, जो भी आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर क्वेश्चंस चाहिए, मैं सारे डाउट यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे क्लियर हो जाएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।